ग्वालियर नवीन जिला न्यायालय भवन में शिफ्टिंग का काम शुरू हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अब इसके विरोध में उतर आई है। उनका कहना है कि नवीन भवन में केवल 2 वाटर कूलर हैं, जिससे जल आपूर्ति संभव नहीं है और नवीन भवन में पक्षकारों की बैठक व्यवस्था भी नहीं की गई है। जैसे तैसे नवीन जिला न्यायालय भवन में शिफ्टिंग का काम शुरू हुआ था, लेकिन ग्वालियर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अब इसके विरोध में नजर आ रहा है। 10 मार्च को नवीन जिला न्यायालय का उद्घाटन हुआ था, जिसमें वकीलों को 2 हॉल दिए गए थे। इन 2 हॉलों में अधिकतम 1400 वकील बैठ सकते थे, लेकिन इसमें समय लगेगा क्योंकि अभी प्रत्येक हॉल में वकीलों के बैठने के लिए टेबल कुर्सी और एसी का प्रबंध करना बाकी है, जिस वजह से हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वकील शिफ्टिंग के मूड में नजर नहीं आ रहे। अभी एक ऑफिशियल तो अभी डेट क्लियर नहीं है, लेकिन 1 जुलाई से उनका ऐसा जानकारी आ रही है कि 1 जुलाई से वो पूरा फंक्शन कर देंगे। जो गर्मियों की छुट्टियाँ खत्म होंगी, वेकेशन खत्म होते ही कर देंगे, और हमारे द्वारा हाईकोर्ट बार के द्वारा ये प्रयास है इसको 1 महीने एक्सटेंड किया जाए। हमने मांगा था 6 महीने के लिए एक्सटेंड, क्योंकि ठंडे थोड़े सा मौसम टेम्परेचर एक ऐसा आ जाए कि हमारे वकीलों को पत्रकारों को परेशानी नहीं हो। कहीं वहाँ पानी पीने की समस्या है, वहाँ नई बिल्डिंग में हमारे एडवोकेट्स के लिए रूम अभी तैयार नहीं हुए हैं, क्योंकि 2 तारीख को उन्होंने हमको पैसा दिया है। 10 दिन पहले हमारे रूम्स को तैयार होने में 2-3 महीने लगेंगे, तो हम जल्दी जल्दी करा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि 1 अगस्त के बाद कोर्ट रूम नई कोर्ट बिल्डिंग में काम सुचारू रूप से चालू होगा। हमें मात्र उन्होंने 1 हॉल के अलावा जो हॉल दिए हैं, 2.5 हॉल दिया है, उसके अलावा हमको सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं दिया है। 1 हॉल हमारे पास 2.5 है, 3 मंजिल पे हैं, 2 मंजिल तक है, G+2 है, लेकिन हमने मांग की है कि हमारी यही मांग हमने उनको बार बार कर रहे हैं और 1 साल से कि जगह हमारे जो हमारी जो संख्या है उसके हिसाब से जगह नई बिल्डिंग में कम है, तो आप हमको एक्स्ट्रा जगह दें, और जब तक नहीं हो तो पीछे वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए हमको जगह अलॉट करें, जैसे कि हाईकोर्ट बार उसमें 1 नई बिल्डिंग बना चुका है और नए पूरे हमारे जो एडवोकेट्स हैं 2024 तक के, और वो बिल्डिंग कंप्लीट होगी 25 में, जब तक वो सम्मिलित हो सके और उनको 1 सीट 1 टेबल बैठने के लिए मिल सके। जो अभी हमारे पास जो अभी हमने जनरल बॉडी की थी उसमें 7,000 रुपये पर हेड हमारे द्वारा एक अधिवक्ता से 7,000 रुपये लिए जा रहे हैं, जिसमें हम ट्विन चेयर पे माने कि 2 वकील बैठेंगे, 6x2 की 1 टेबल रहेगी, 2 कुर्सियाँ रहेंगी लेदर राइज, उन पर हम 2 लोगों वकीलों को बैठाएंगे। और करीब करीब अभी हमारे पास अप्रोक्सीमेटली आज तक 2,000 से ऊपर के करीब हमारे पास फॉर्म जमा हो चुके हैं। शहर में अफवाह है कि जो 14 तक के ही वकीलों को स्थान दिया जाएगा। नहीं, ये गलत किसी ने जो एक्चुअल में मेरा अधिवक्ताओं से एक निवेदन है कि वो किसी भी बात को अफवाह और मनमाने कोई भी लोग जो कुछ कह रहे हैं, कोई लोग इसमें विध्वंस फैलाना चाहते हैं, शिफ्टिंग में रोड़ा अटकाना चाहते हैं, इसलिए किसी बात पर विश्वास ना करें। अगर किसी को लगता है कि किसी बात को क्लेरिफिकेशन चाहिए तो वो मेरे से बात कर सकता है, भाई बार में आके बात कर सकता है, और हमारा सिंपल सा 2 लाइन का व्यू है। जो भी हमारा इस कोर्ट बिल्डिंग में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हाई कोर्ट का हमारी बार का रेगुलर मेंबर है, उसको सीट मिलेगी और अवश्य मिलेगी, चाहे उसकी प्रयास ये कर रहे हैं कि हम 2023 तक बच्चों को हम आखिरी तक बैठाएं। नए न्यायालय के लिए हम ये चाहते हैं नए न्यायालय में इसको बैठने की समुचित व्यवस्था मिल जाए, पानी पीने के लिए मिल जाए सही, जो वहाँ का व्यवस्था नहीं है, जो क्लाइंट वहाँ जाएगा उसको बैठने की जगह मिल जाए, उसके पानी की व्यवस्था हो जाए, बाद जो पार्किंग है हमारे पास गाड़ियों को रखने के लिए उनके लिए व्यवस्था हो जाए। व्यवस्था के लिए तो आपको और हॉलों की जरूरत पड़ेगी। बच्चे को जो कहते हैं हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पे 8,000 की स्ट्रेंथ है, 8,000 में से कुछ लोग ऐसे हैं जो हाईकोर्ट में ही रहते हैं, लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बगल में आएगा तो हाईकोर्ट वाले भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले भी हाईकोर्ट में आएंगे, तो बैठने की व्यवस्था तो पहले भी खराब होगी, क्योंकि इतने सारे लोगों की व्यवस्था के लिए इतने सारे हॉल ही नहीं है वहाँ पर, नहीं उनको पूरी चीज़ें अवगत करा दी जाती हैं और सॉल्यूशन निकालने की वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हमें और स्पेस मिल जाए, हम और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर बैठने की व्यवस्था समझिए मिल जाए। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि आपने वकीलों की समस्याओं के लिए आप अवगत हुए, अध्ययन महोदय द्वारा वकीलों की समस्याओं को बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है और जो समस्याएँ जो वास्तव में जेन्युइन समस्या उनका पूर्ण रूप से निराकरण अध्यक्ष महोदय के द्वारा किया जाए। हमारी अपेक्षा है, जो अपेक्षा है वो हमने अध्यक्ष महोदय को अवगत करा दिया है और आप अध्यक्ष महोदय ने उसको बहुत डीपली उसके लिए विचार कर रहे हैं कि वहाँ पानी की शब्दों पानी की है, कुर्सी टेबल की है, और आने जाने के लिए जो साधन है उसके लिए जो है वो पक्षकारों के लिए बसें और प्राइवेट और जो सरकारी वाहन है उनको वहाँ पर चलाया जाए, और
कैंटीन की व्यवस्था ऊपर से है ही पहले से। अध्यक्ष महोदय जो है बारीकी से इस बात का अध्ययन कर रहे हैं और इन बातों को आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।